साथ बच्चों, मैं नीतू कुमारी आपकी हिंदी की शिक्षिका। बच्चों एक बार फिर से मैं ऑनलाइन क्लास में क्लास वन के बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों उम्मीद है आज आपका टेस्ट अच्छा गया होगा, आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो अब हम जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे पाठ की शुरुआत करेंगे। अभी हमारा पाठ थ्री में शेष अध्याय बचा हुआ है, तो हम पाठ थ्री का आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार की मात्रा। अनुस्वार की मात्रा मतलब अंग की मात्रा, अंग की मात्रा। आप देख रहे हो अंग पे एक बिंदु है, अंग की मात्रा शब्द के ऊपर एक बिंदु के रूप में पड़ता है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो आज हम अंग की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंग की मात्रा से ही कौन सा पिक्चर बनाया है बताओ बच्चों? हाँ पतंग। ये किसका है पिक्चर? पतंग का। मैंने पतंग कैसे लिखा है? फॉर टॉप पे अनुस्वार की मात्रा और गौ पतंग। ये किसका पिक्चर है बच्चों? हाँ झंडा। आप सब जानते होंगे झंडा। झंडा में तीन कलर होता है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, फिर नीचे हरा। झंडा हम कैसे लिखे हैं? झ, झ पे अनुस्वार, द, द में आकार की मात्रा, बन गया हमारा झंडा। बच्चों अब अनुस्वार की मात्रा से मैंने कुछ शब्द लिखा है और कुछ वाक्य बनाया है जो मैं हर पाठ में करती हूँ, हर मात्रा में करती हूँ। तो पौ पे अनुस्वार की मात्रा पंग, खौ पंग। बौ पे अनुस्वार की मात्रा बंग, द र बंदर। ज पे अनुस्वार की मात्रा ग ल जंगल। पौ पे अनुस्वार की मात्रा खौ में आकार पंखा। बच्चों पंख जो होता है, जो चिड़िया आकाश में उड़ते हैं वो अपने पंखों की मदद से, पंख पक्षी के पास पंख होता है। और यहाँ मैंने लिखा है पंखा, जो हमारे घर में गर्मियों के दिन में यूज होते हैं फैन, उसे हम पंखा कहते हैं। सौ, सौ पे अनुस्वार, कौन सा सौ है ये? हाँ तालापे सौ, तालापे सौ पे अनुस्वार और ख क्या बन गया? संख। हम अक्सर संख को मंदिर में या अपने घर में जब पूजा होता है तो पंडित जी संख बजा के पूजा की शुरुआत करते हैं। औ, औ पे अनुस्वार, द आधार, क्या बन गया बच्चों? अंडा। कौ, कौ पे अनुस्वार, कौ, कौ में आकार, क्या बन गया? संघार, जिससे हम अपने बालों को संवारते हैं। खौ, खौ पे अनुस्वार, द, द में आकार, क्या बन गया? ठंडा। अब हम कुछ शब्दों से वाक्य बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं था तो तीन ही बनाया है, जिसमें आपको मैंने कॉपी में पांच होमवर्क दिया। तो आप यहाँ पे पढ़ो क्या है ये? कौ पे अनुस्वार, कौ में आकार, क्या बन गया? पंखा। पंखा से वाक्य बनाना है, पंखा चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप जिस शब्द से वाक्य बनाओगे उसके नीचे अंडरलाइन करोगे, रेखा खींचोगे। तो पंखा चल रहा है, आप अपने घर में बैठे हो, आपके रूम में भी पंखा चल रहा है। रंग, रंग मतलब ढेर सारे रंग होते हैं, काला, उजला, सफेद, हरा, केसरिया, गुलाबी। तो रंग, रंगों के नाम हमने बताया, ये रंग है। तो रंग से आप क्या वाक्य बना सकते हो? चित्र में रंग भर, या आप ये भी लिख सकते हो मेरे पास ढेर सारे रंग है, मेरे पास काला रंग है, मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। आप कुछ भी लिख सकते हो। मंदिर, मंदिर सब जानते होंगे। मौ पे अनुस्वार, गौ में कौन सी मात्रा है बच्चों? हाँ छोटी की मात्रा। फिर रौ, क्या बन गया? मंदिर। मंदिर में पूजा कर, हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो उसी को हम लोगों ने लिखा है मंदिर में पूजा कर। तो बच्चों ये था हमारा अनुस्वार की मात्रा से शब्द और वाक्य। अब आपके बुक में अनुस्वार और अनुनासिक, आपके बुक में भी अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा है। अनुस्वार मतलब हो गया अ के ऊपर एक बिंदु, और अनुनासिक मतलब हो गया जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप इस क्लास में सिर्फ अनुस्वार की मात्रा पढ़ोगे। तो इस पेज में सिर्फ अनुस्वार की मात्रा है जिसको हम एक बार समझाएंगे, पढ़कर आप समझोगे। आप अभी अनुनासिक पे ध्यान मत दो, जब मैं वो पढ़ाऊंगी फिर समझाऊंगी। तो सबसे पहला है अनुस्वार की मात्रा में लौ, लौ पे अनुस्वार की मात्रा, गौ में बड़ी की मात्रा और र, क्या बन गया? लंगूर। बच्चों ये बंदर का प्रजाति होता है जिसे हम लंगूर कहते हैं।
ये बच्चों क्या है, फ फ फ तो पे अनुस्वार की मात्रा और ग क्या बन गया पतंग। ये है झ झ पे अनुस्वार की मात्रा, ड में आकार झंडा। उसके बाद अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द पढ़े और उच्चारण करें। इसको मैं भी पढ़ूंगी, आप भी अपने बुक पे पेंसिल या उंगली रख के पढ़ोगे और उच्चारण करोगे। पंख, अंगूर, जंगल, अंडा, झंडा, डंडा, अंदर, बंदर, हंस, कंठ, संख, पंजा, तंग, दंगल, पंखा, चंचल। तो बच्चों आप देख रहे हो जो बिंदु किया हुआ है लाल रंग से, वो सारे अनुस्वार की मात्रा चिन्ह है। तो आप इस पुस्तक में और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बोर्ड पे से आप अनुस्वार की मात्रा से ढेर सारे शब्द को सीखें और समझें। अब हम एक छोटी सी कविता है जो आपके बुक में पेज नंबर 63 में है, उस कविता को हम बोलकर पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और आप अपने बुक पे उंगली रख के उच्चारण करेंगे। पूरी पतंग, मतलब पतंग कहाँ होता है, आकाश में, उसी पे एक छोटी सी कविता है। उड़ती खोलकर अपने पंख, जगाती सबके मन में उमंग। मतलब पतंग जो है अपने पंखों को खोल के आसमान में उड़ती है और सबके मन को उमंग देती है। उमंग मतलब होता है बच्चों खुशी। जब आसमान में पतंग उड़ते हैं तो बच्चे देख के उसे बहुत खुश होते हैं। आओ मिलकर उड़ाए पतंग, आकाश में भर दें अपने रंग। और जब ढेर सारे बच्चे मिलके एक साथ पतंग उड़ाते हैं तो आकाश जो है वो रंग बिरंगा दिखता है और लगता है कि ढेर सारे पक्षी जो है वो एक साथ खेल रहे होते हैं। जैसे आप नीचे ढेर सारे बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, उसी तरह आकाश में लगते हैं कि नन्हे मुन्ने ढेर सारे रंग बिरंगे ढेर सारे पतंग आकाश में खेल रहे होते हैं, जो हमारे मन को बहुत ही भाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों ये थे हमारे अनुस्वार की मात्रा से शब्द, और नीचे वाले जो है ये है अनुनासिक की मात्रा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप क्या करोगे बच्चों, पेज नंबर 65 ये वाला पेज आप होमवर्क करोगे। ये वाले पेज को आप होमवर्क करोगे, इसके लिए मैं आपको समझाऊंगी। और पहले इसको बनाने के लिए आपको चंद्रबिंदु की मात्रा भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगी, बुक में अभी होमवर्क नहीं दूंगी। अभी मैं सिर्फ कॉपी में होमवर्क दूंगी जो आपको करना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द को हमने पढ़ा, जाना और सीखा। तो धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट मात्रा के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।